करेंगे सोया कैसेडेला। उसके लिए हमने सोया चंक्स ले लिया है, इसे गर्म पानी में 2 कप सोया चंक्स को हम भिगोकर छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। इसे भिगोकर और ढककर 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, इसे अच्छी तरह से सॉफ्ट होने देंगे। इसे अच्छी तरह से इस तरह भिगो दें और ढककर छोड़ें। अब कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे, तेल को गर्म होने देंगे। इसमें 1 छोटा चम्मच राई डालेंगे, एक बड़ा चम्मच अदरक हरी मिर्च मिर्ची भी डालेंगे। अदरक हरी मिर्च आप अपने हिसाब से डाल दें, इसे थोड़ा सेक लेंगे। अब इसमें 1 कप बारीक कटा हुआ गाजर डालेंगे, एक कप बारीक कटा हुआ बीन्स डालेंगे, 1 कप बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डालेंगे, 1 कप प्याज डालेंगे बारीक कटा हुआ। इन सबको डाल के हल्का सॉफ्ट होने तक सेकेंगे। इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे, नमक डालने से ये जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा, तो इस हिसाब से नमक डालें। सोया चंक्स के हिसाब से भी नमक डाल लें और इसे चलाएं और इसे सिकने दें। सोया चंक्स भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, इसका पानी हमने निकाल के अच्छी तरह से निचोड़ दिया है। ये अब इसे हम मिक्सर जार में हल्का दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। हमारे पास ग्रैनुलस नहीं थे, इसीलिए हमने ये चंक्स लिया है, इसीलिए इसे हम थोड़ा मिक्सर में घुमा लेंगे। सब्जी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें हम 3 से 4 आलू उबले हुए मैश किया हुआ इसमें डालेंगे। सोया चंक्स को हमने इस तरह ग्राइंड कर लिया है, अब इसमें डालेंगे इसे भी। अब इसमें 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटा चम्मच काला नमक, इन सबको डाल के अच्छी तरह से मिला लेंगे। आधा छोटा चम्मच गोल मिर्च, 1/4 चम्मच मसाला आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से मसाला बना सकते हैं। आलू भी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। मसाला तैयार है, अब इसे हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। इसके लिए हमने नॉर्मल जो पराठे के लिए आटा लगाते हैं उसी तरह लगा लिया है। आटे में नमक और पानी डालकर
दो तैयार कर लिया है। अगर आप चाहें तो मैदे से भी बना सकते हैं या फिर आटा और मैदा दोनों मिलाकर भी बना सकते हैं। अब हम इसे बिल्कुल छोटा छोटा बॉल्स लेंगे। साइज आपके ऊपर है, आपको कितना बड़ा बनाना है। हम थोड़ा छोटा ही बनाएंगे। इसे बेल लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है। एक तरफ तवा गर्म करने के लिए रखेंगे। तवा गर्म हो रहा है और एक तरफ हम इससे बेल लेंगे इस तरह। इसे बेलें, देखिए करीब इतना बड़ा और इतना मोटा। इसे बेल लें। तवा गर्म हो चुका है, अब इस पे हम रोटी को डालेंगे। रोटी बहुत ज्यादा नहीं सेकना है, एक साइड से थोड़ा सिक जाने पे इसे पलटेंगे और दूसरी ओर भी इसे सेक लेंगे। दोनों ओर से हल्का सिकने देंगे। इसे अभी ऐसे ही सेकना है, इस पे घी या बटर कुछ भी नहीं लगाना है। इस तरह ये सीख जाने पे अब इस पे हम सेजवान चटनी लगाएंगे। सेजवान चटनी जरूरी नहीं है, अगर आपकी इच्छा हो तो आप लगाएं वरना न लगाएं। इसे अच्छी तरह से चारों ओर लगा लें। आप चाहें तो मेयोनीज भी लगा सकते हैं। इस तरह चारों ओर लगा के अब हमने जो मसाला बनाया था वो इस पे स्प्रेड करेंगे। इसे आधे में ही स्प्रेड करेंगे और अच्छे से स्प्रेड करेंगे। अब इसे इस तरह फोल्ड करें और फिर से इसे अब तवे पे सेकेंगे। अब इसे तवे पे डालेंगे और घी या बटर आपकी जो भी इच्छा हो उसी से सेकें। हम इसे घी से सेक रहे हैं। अच्छी तरह से घी लगाएं। अब इसे पलटे और दूसरी ओर भी घी लगा के सेकें। दोनों ओर से इसमें घी लगा के अच्छी तरह से लाल और क्रिस्प होने तक सेक ले। इसे उलट पलट के दोनों ओर से अच्छी तरह से सेकें। अगर आपको बटर पसंद है तो आप बटर में भी इसे सेक सकते हैं। दोनों ओर से अच्छी तरह से सेकें। साइड में इस तरह पकड़ के सेक लें वरना साइड में कच्चा रह जाता है, साइड सिकता नहीं है। इस तरह पकड़े और सेक लें। इस तरह दोनों ओर से सेक लें और सारे कैसेटिला को इसी तरह सेक कर तैयार कर लें। सोयाबीन कैसेटिला तैयार है। ये देखिए, ये देखने में जितना सुंदर लग रहा है खाने में भी उतना ही टेस्टी है, उतना हेल्दी है। तो इसे इस तरह बनाएं। बनाना भी बहुत ही आसान है और ये सबको काफ़ी पसंद आएगा। तो इस तरह बनाएं और खाएं और सबको खिलाएं।